इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले थर्मल रेजिस्टेंस और ये फॉर्मूले आपने देखे हुए हैं, ठीक है, ये कंडक्शन के लिए, कन्वेक्शन के लिए है और रेडिएशन के लिए है। इन थर्मल रेजिस्टेंस क्या है उसको समझने से पहले एक टर्म और समझते हैं, एनालॉगी, राइट। एनालॉगस क्या होता है, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अगर हम बात करें एटम की, ठीक है, तो एटम किससे रिजेंबल करता है, सोलर सिस्टम से रिजेंबल करता है। मतलब कि जैसे एटम है, राइट, सेंटर पे एक न्यूक्लियस होगा और फिर बहुत सारा एम्प्टी स्पेस होगा और बहुत दूर एक कहीं इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो रिवॉल्व कर रहे होंगे, राइट। इस तरीके से इसी तरीके से हमारा सोलर सिस्टम है जिसके सेंटर पे क्या होता है, सन होता है, राइट। फिर बहुत सारा स्पेस खाली रहता है और उसके चारों तरफ क्या करते हैं, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दोनों सिस्टम आपस में एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, इसपे ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है और हमारा एटम वाला सिस्टम है उसपे क्या करता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है या वीक फोर्सेस एक्ट करते हैं। इसका माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, क्वांटम लेवल पे है, ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम स्टडी करते हैं, राइट। तो आपस में बहुत सारे डिफरेंस है लेकिन कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से अटैच्ड है, राइट। किस तरीके से अटैच्ड है कि जो इनका स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं मैच करता है, कि सेंटर पे एक सेंटर मास होगा, फिर बहुत सारा एम्प्टी स्पेस होगा और फिर कुछ बॉडीज उसको रिवॉल्व कर रही होंगी। दोनों में ये चीज क्या है, एनालॉगस है। तो हम जो हीट है, ठीक है, उसकी हम एनालॉगी किसके साथ देख सकते हैं, उसकी हम एनालॉगी देख सकते हैं करंट के साथ, ठीक है। हीट फ्लो करती है, किसकी वजह से फ्लो करती है, टेम्परेचर डिफरेंस अगर होगा, दो पॉइंट्स हैं, एक का टेम्परेचर T1 है, दूसरे पॉइंट का टेम्परेचर T2 है, ठीक है, जब तक ये डिफरेंस मेंटेन रहेगा हीट क्या करती रहेगी, फ्लो करती रहेगी, राइट। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है, करंट किसकी वजह से फ्लो करता है, करंट करता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो। अगर दो पॉइंट्स के बीच A और B में कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पे VA है और यहाँ पे VB है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो ये करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो यहां पे क्योंकि करंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, एनालॉगस होने की वजह से, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, तो यहां पर भी एक रेजिस्टेंस होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सिस्टम कैसे हैं, आपस में एनालॉगस है। तो वो रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस कहते हैं, राइट। अब इसका फॉर्मूला आपको पता होगा कि करंट पोटेंशियल और रेजिस्टेंस का अगर हमको फॉर्मूला निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू वी बाय आर। मतलब जो चीज फ्लो कर रही है इक्वल में जिस चीज की वजह से या जिस डिफरेंस की वजह से फ्लो कर रही है और अपॉन में रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो हम इसको कंसीडर करते हुए क्या करेंगे, अपने इन फॉर्मुलेज को कन्वर्ट करेंगे, हम इसको इस फॉर्म में अरेंज करेंगे और हमारा थर्मल रेजिस्टेंस तीनों केसेस में हमें मिल जाएगा। ये आपको क्लियर है, ओम्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है, वी बराबर आई आर या आई बराबर वी अपॉन आर होता है, ठीक है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले अगर हम इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले को हम किस फॉर्म में करेंगे, आई इज इक्वल टू वी बाय आर के फॉर्म में, जिसमें आई हमारा क्यू के इक्वल है, ठीक है, वी हमारा रिजेंबल करता है किसके, टेम्परेचर डिफरेंस है, वी हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम हीट की बात करेंगे तो वी हमारा रिजेंबल करेगा किससे, डीटी के साथ, ठीक है, या T2 माइनस T1 या T1 माइनस T2, अगर हम निगेटिव हटा दे तो वो T1 माइनस T2 हो जाएगा, तो हम सिर्फ dt के फॉर्म में देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो q इज इक्वल टू dt सिर्फ ऊपर रहेगा, v अपॉन r, बाकी सब कहां चला जाएगा, अपॉन में नीचे चला जाएगा, ठीक है। अगर v ऊपर रहना है तो dt मैंने सिर्फ ऊपर रखा, k अपॉन ये कहां चला जाएगा, dx के भी नीचे, ठीक है, क्योंकि जो सबसे नीचे होगा फिर वो ऊपर आएगा, तो के हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कंडक्शन के केस में जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो क्या निकल के आता है, निकल के आता है dx अपॉन के ए। तो एक फॉर्मूला है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें कन्वेक्शन की, तो कन्वेक्शन को हम इसी फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें, आई किसके एनालॉगस होगा क्यू के, बी किसके एनालॉगस होगा डीटी के, और बाकी जो बच जाएगा वो हम नीचे भेज देंगे तो वो आर के इक्वल हो जाएगा। तो क्यू तो हमारा ऑलरेडी इधर है, टीएस माइनस टीएफ हमारा डीटी, हम कह सकते हैं हमारा डीटी है चेंज इन टेम्परेचर, और बाकी सब कहां चला जाएगा, अपॉन में, तो वन अपॉन एच ए, राइट। तो इसमें आर टी कन्वेक्शन इक्वल हो गया वन अपॉन एच ए के। सिंपल सिंपल फॉर्मूले है, आपको बस इनका फॉर्मूला ध्यान रखना है, नहीं ध्यान रखना है तो आप ये तरीका ध्यान रखिए, लेकिन इतना टाइम आप मत वेस्ट करिए, आप सीधे सीधे फॉर्मूले ध्यान रखिए और तरीका ध्यान रखिए कि अगर आप भूल जाए तो कैसे निकाल सकते हैं। अगर बात करें रेडिएशन की, तो रेडिएशन देखिए टी पावर 4 है T1 और T2 की पावर, तो इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिग्मा ए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। फिर ये आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए टी वन का स्क्वायर प्लस टी टू का स्क्वायर, टी वन प्लस टी टू, इसमें टी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दिया हमने, और टी वन माइनस टी टू हो जाएगा, तो क्यू ऊपर रह गया, ये टी वन माइनस टी टू ऊपर रह जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा नीचे चला जाएगा, और ये हो जाएगा वन अपॉन सिग्मा ए टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर टी वन प्लस टी टू। और हमें पता है कि हम अगर कंपेयर करें इस फॉर्मूले से तो बी अपॉन आर, तो नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा आर, तो ये आर टी एच ड्यू टू रेडिएशन। तो रेडिएशन में जो हमारा निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, वन अपॉन सिग्मा ए टी वन प्लस टी टू, टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर। तो अगर थर्मल कहीं पे होगा कोई अगर बॉडी है और उसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है मान लेते हैं T1 इधर है T2 इधर है, और उससे अगर Q फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस एक डेवलप होगा बॉडी के अंदर। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है अगर आप हिंदी में समझो तो प्रतिरोध, रोकना। ये बॉडी क्या करेगी कि रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी उस हीट को फ्लो होने से रोकने के लिए, ठीक है, ताकि वो ना फ्लो करे, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट कम फ्लो करेगा। राइट, हो सकता है इधर 100 हो, तो अगर रेजिस्टेंस बहुत हाई हो तो हो सकता है सिर्फ इधर 80 पहुंच पाया, ठीक है, रेजिस्टेंस कम है तो हो सकता है 99.9% पहुंच गया, ठीक है। तो ये अलग अलग केस में अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, अलग अलग फॉर्मूले होते हैं।